हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वापस से आ गया हूँ अपने थंबनेल ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को कुछ इस तरह का थंबनेल बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो ये थंबनेल बनाने के लिए आप लोग को तीन ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, एक PSCC, एक पिक्सल लैब एंड एक लाइट रूम। तो पहले मैं काइन मास्टर्स वगैरह से बनाना सिखाता था आप लोग को थंबनेल, बट आज ये जो वीडियो है वो कोलैब वीडियो है मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो उसका चैनल भी आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोग को उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम लोग 1500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जल्दी से जल्दी करवा दीजिएगा और रोड टू 2K। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग सबको लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना थंबनेल ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को पिक्सल लैब ओपन कर लेना है, उसमें आप लोग को एक ऑप्शन पर जाकर अपना जो टेक्स्ट है वो लिख लेना है, जो टाइटल होगा आपका। उसके बाद डन कर लेने के बाद आप लोग को इसके फॉन्ट के ऑप्शन पर जाना है, एंड फोन के ऑप्शन पे जाके उसके बाद आप लोग को माई फोन्स पे जाना है। यहाँ पे जो यूनिसेंस है इटैलिक फॉन्ट है वो ले लेना, आप लोग को थंबनेल पैक में मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को इसको ट्रांसपेरेंट करके एंड इसको आप लोग को सेव इमेज पे जाके अल्ट्रा पे करके आप लोग को इसे सेव कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोग को PSCC ओपन कर लेना है और फिर आप लोग को एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है एंड 1920:1080 का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। एंड अब आप लोग को इसके लेयर के ऑप्शन पर जाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फोटो लेयर एंड फिर फोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप लोग को अपना SS यहाँ पे जो आप लोग को लेना होगा वो ले लेना। इतना कर लेने के बाद आप लोग को इसको डन कर लेना है एंड आप लोग को लेयर के ऑप्शन पर जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है, क्योंकि अभी इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। आप लोग को इसको अपने हिसाब से जो स्क्रीन शॉट है उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को इसको डन कर लेना है एंड फिर लेयर के ऑप्शन पर जाके आप लोग को वापस से ओपेसिटी को फुल कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोग को मार्क सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करना है एंड पॉलीगन सिलेक्शन टूल पे ही रहने देना है। एंड फिर आप लोग को शो पॉइंटर को इनेबल कर देना है एंड फिर आप लोग को इस करेक्टर को आप लोग को पिक्सल्स कट कर लेना है। करेक्टर के पिक्सल कट करने के बाद आप लोग को वापस से लेयर के ऑप्शन पर जाना है एंड प्लस वाले आइकन पर जाके एक लेयर क्रिएट कर लेना है करेक्टर का। एंड उसके बाद आप लोग को वापस प्लस वाले आइकन पर जाके फोटो लेयर पे एंड फोटो लाइब्रेरी पे जाना है एंड जो आपने पिक्सल लैब पे टेक्स्ट लिखी थी उसको यहाँ पर अभी आप लोग को ले लेना है। एंड टाइटल ले लेने के बाद आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। टाइटल एडजस्ट करने के बाद इसको डन कर लेना एंड फिर उसके बाद आप लोग को जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को लेयर्स के ऑप्शन पे जाना है एंड जो टेक्स्ट वाला जो लेयर है उसको कैरेक्टर के नीचे कर देना एंड एक लेयर क्रिएट कर लेना एंड जो टेक्स्ट वाला लेयर है पहले का उसको डिलीट कर देना। इतना करने के बाद आप लोग का जो फर्स्ट टेक्स्ट है उसके सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग को इसको ग्रेडियंट देना है। तो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर जाके कुछ इस तरह का ग्रेडियंट दे देना एंड सेम उसी तरह नीचे वाला टेक्स्ट को भी कर लेना इसको कर लेने के बाद। एंड आगे मैं वॉइस ओवर इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं PSCC ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है कहाँ पे क्या होती है। तो आगे आप देख के ही बस वीडियो समझ जाओगे करना क्या है, बस स्टेप को फॉलो करना आप लोग इजीली कर सकते हो। जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत रहेगी बोलने की वहाँ पर मैं बोल दूँगा। Thank you.
अब आपका PSCC का सारा काम खत्म हो गया तो डन करके आप लोग इसको सेव कर लेना। एंड इतना कर लेने के बाद अब आप लोग को Lightroom खोल लेना, Lightroom ओपन कर लेना। एंड फिर आप लोग को ये SS आप लोग को पैक में मिल जाएगा, आप लोग को इसको Lightroom में ले लेना है। एंड इसके आप लोग को सेटिंग्स पे जाना है, एंड फिर आप लोग को कॉपी सेटिंग्स पे जाना है। एंड सारे पे क्लिक करके आप लोग को सेटिंग्स को कॉपी कर लेना है। एंड फिर आप लोग को PSCC में जो थंबनेल बनाया था उसको ले लेना है। एंड यहाँ पर बस आप लोग को ट्रिपल डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग पेस्ट सेटिंग कर देना है, आपका काम हो जाएगा। बस आपका थंबनेल रेडी है, आप इसको सेव कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर वीडियो आप लोग को किसी भी रीजन से अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ये वीडियो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड से भी शेयर करना, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि मेरे चैनल की रीच खराब हो चुकी है। सो रीच बैक करवाने के लिए जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करना गाइस। एंड हम लोग 2000 यूट्यूब फैमिली के करीब हैं, तो वो भी करवा देना, आप लोग पे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी करवा दोगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।